वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे चैनल पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आप सभी को मिलता रहता है, तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। वीडियो का टाइटल एंड वीडियो का थंबनेल देख के आप सबको पता चल गया होगा कि वीडियो में किस तरीके की जानकारी दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और जल्दी बता देते हैं। सिंपली दोस्तों, आपको एलहली सनअप एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, सनअप एलहली एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में हम जो है ओपन कर लेते हैं। ऑलरेडी हम इसमें अपना रजिस्ट्रेशन किए हैं, जो भी यहाँ पर हमारा पिन नंबर है हम यहाँ पर एंटर करके और इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपना पूरा नंबर सही से एंटर कर दें। एंटर करने के बाद हम इसमें इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके से इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आप सभी को दिखाई देगा। जितने भी लोग एलहली एप्लीकेशन एलहली बैंक का अकाउंट है वो लोग यूज करते हैं जानते हैं, कुछ इस तरीके से इस एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर पर नीचे साइड देखेंगे आप, यहाँ मेनू का ऑप्शन है, 3 डॉट है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सद्दात का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सद्दात के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5वें नंबर पे मोबाइल रिचार्ज का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सऊदी अरब के अंदर जितने भी पॉपुलर सिम यानी अवेलेबल है चल रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारा सवा का सिम यानी एचटीसी सवा एक ही होता है, पर देखिए आपका जो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम सवा जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, सवा के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एड का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर से हम अपना सिम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और कोई काम पे जो भी आपका शॉर्ट नेम है यहाँ पर एंटर कर देना है। चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए हम अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं, जो भी हमारा सिम है सिम का नेम वहाँ पर हमने ऊपर सेलेक्ट कर लिया। नीचे अपना मोबाइल नंबर, देखिए मोबाइल नंबर आपको कुछ इस तरीके से एंटर करना है, 966 यहाँ का कंट्री का कोड लगा लेना आपको। और नीचे देखिए हमने अपना शॉर्ट नेम यहाँ पर एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों हमने रिव्यू का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, मोबाइल डिटेल का यहाँ पर आपको पूरा देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई कमी लग रहा तो यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप जो एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर सबसे नीचे कन्फर्म के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो देखिए हमारे नंबर पे आ चुका है। तो देखिए OTP आया, OTP हमने यहाँ पर एंटर कर दिया और ऐड कर दिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा मोबाइल नंबर और हमारा नेम यहाँ पर शो कर रहा है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए 20 रुपये से स्टार्ट है, 20 रुपये से आप जितना मर्जी चाहें रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितना भी आप यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो रिचार्ज बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर कम कर सकते हैं। तो यहाँ हम 20 रुपये का रिचार्ज करेंगे, यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, 20 का हम रिचार्ज कर रहे हैं और 3 रुपये टैक्स कटेगा, तो टोटल यहाँ पर 23 रुपये हमें पे करना है। देखिए हम यहाँ पर नीचे कन्फर्म के ऑप्शन पर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। कन्फर्म के ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे नंबर पे एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही हम OTP इंटर करेंगे फाइनली हमारा रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। तो OTP आ गया, चलिए हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर OTP इंटर कर दिया है। इंटर करने के बाद थोड़ा सा जो है लोडिंग लेगा और यहाँ पर देखिए पेमेंट प्रोसीड, यहाँ पर देखिए वेयर मोबाइल रिचार्ज हैज़ बिन सक्सेसफुली प्रोसीड, फाइनली हमारे अकाउंट से 23 रुपया कट चुका है और रिचार्ज सक्सेसफुल हमारे नंबर पे हो चुका है। 20 का हमने रिचार्ज किया था और 3 रुपये टैक्स लगा, यहाँ पर देखिए टोटल 23 रुपया हमारे अकाउंट से कट चुका है। फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, और फाइनली देखिए हम फिर से बैक आ जाएंगे क्योंकि हमारे नंबर पे अब मोबाइल रिचार्ज हो गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी इस एलहली एप्लीकेशन के मदद से आप भी अपने जैन का हो या STC या मोबाइल पे या कोई भी रूम में बैठे बैठे बिना कहीं जाए, कभी कभार दोस्तों ऐसा होता है कि हम बकालों में बाहर जाते हैं और मोबाइल रिचार्ज का कूपन नहीं मिलता, हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो जो नहीं जानते हैं प्लीज़ वीडियो को देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था कैसा नहीं था। ऐसी छोटी छोटी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।